हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। यार, अगर आप अपना ताकत और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिससे कि आपका भी स्टेमिना और ताकत बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्वागत है गाइज आपका हमारे अपने एम ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलो गाइस, चलते अपने टॉपिक की ओर। तो यार, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि स्टेमिना और ताकत में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो भाई, आप किसी काम को कितनी देरी तक कर पा रहे हो उसको स्टेमिना कहते हैं। समझ में तो आया नहीं होगा कि मैंने अभी क्या बोला। अब देखो, ध्यान से समझना। मान लो कि आप जिम गए और कोई 10 kg का डंबल उठा लिया। वो जो आपने 10 kg का डंबल एकदम से उठाया उसमें आपका ताकत लगा, वो आपका ताकत है। और वही डंबल के साथ आपने एक्सरसाइज की और उस डंबल के साथ आपने कितनी देरी तक एक्सरसाइज की या फिर बोल सकते हैं कितने रैप्स लगाएं उस 10 kg के डंबल से, उसको आप स्टेमिना कह सकते हैं। वो स्टेमिना है। आपने देखा होगा कि जो खेतों में किसान काम करते हैं उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपने काम को बिना थके घंटों घंटों तक कर पाते हैं। और रिसर्च में भी पाया गया है कि किसान का स्टेमिना सबसे ज़्यादा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम में बॉडी बनाते हैं, उनका स्टेमिना थोड़ा कम होता है, बट जो उनकी ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई लोग, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्टेमिना को जल्दी और बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हो। और स्टेमिना बढ़ाने के साथ आप डाइट अच्छा लोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे, अच्छी न्यूट्रिशन लोगे तो आपका ताकत भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपका स्टेमिना और ताकत बढ़ जाएगा। सबसे पहले अपनी टिप्स पे बात करते हैं, तो वो है स्टे इन मोशन। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपना स्टेमिना और इंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी को हमेशा मूवमेंट में रखना चाहिए, आपको हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए। इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप हमेशा बैठे रहेंगे, हमेशा बेड पे लेटे रहेंगे तो आपका स्टेमिना धीरे धीरे कम हो जाएगा और उसी के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपने बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है तो आप अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं या फिर ज़्यादा देर तक वॉक कर सकते हैं तो वॉक करते रहिए, बट बैठे मत रहिए वरना आपका स्टेमिना कम हो जाएगा। इसीलिए आप अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखिए जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में लगातार तेज़ी से होता रहे, जिसकी वजह से आपका जो स्टेमिना है वो बॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका एक बहुत इजी और मज़ेदार तरीका ये भी है कि आप गेम खेलिए। अगर आप जल्दी स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ गेम खेलिए जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपका स्टेमिना भी जल्दी बढ़ जाएगा। सबसे अच्छा जो गेम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना बढ़ता है वो है फुटबॉल। अगर आपको फुटबॉल आता है या फिर पसंद है तो आप फुटबॉल खेलिए, अच्छा रहेगा। या फिर आप गेम नहीं खेलना चाहते तो आप रनिंग कीजिए या फिर वॉकिंग कीजिए कम से कम 30 मिनट्स तक, जिससे कि आपके बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रनिंग करते हैं पर जल्दी थक जाते हैं, बहुत देर तक रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका डाइट। ज़रूर आपके डाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी आप ज़्यादा देर तक रनिंग नहीं कर पाते हो, आपका स्टेमिना कम है। तो इसके लिए आपको अपने डाइट में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे फूड खाने पड़ेंगे जिससे कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा, कुछ ऐसे फूड्स जिससे कि स्टेमिना बढ़ता है। तो सबसे पहले जो हमारा फूड है वो है ओट्स। तो इसमें हाई रिच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपके बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है जिससे कि आप किसी भी काम को ज़्यादा देर तक कर पाते हो। सेकंड नंबर फूड है पीनट बटर। पीनट बटर में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और साथ ही इसमें प्रोटीन भी बहुत हाई होता है जिससे कि पीनट बटर खाने से इंड्योरेंस और स्टेमिना आपका बढ़ता है। थर्ड नंबर फूड है बनाना। आप साथ ही बनाना भी खा सकते हैं जिसमें आपका स्टेमिना बढ़ता है। बनाना में भी अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहती है। आप जिम या रनिंग जाने से 45 मिनट पहले आप बनाना खाएं ताकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको एनर्जी मिलती रहे जिम या रनिंग के दौरान। फोर्थ नंबर फूड है आंवला। अगर आप आंवला रोज़ खाते हैं या आंवला जूस पीते हैं तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपका स्टेमिना भी बढ़ता रहेगा टाइम के साथ। लास्ट नंबर फूड है चना।
आप काले चने खाइए, काले चने में प्रोटीन भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है और चने खाने से स्टेमिना भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो घोड़े होते हैं वो चने बहुत ज़्यादा खाते हैं, और आप तो जानते हैं कि घोड़े का स्टेमिना कितना ज़्यादा होता है, उसको कितना भी दौड़ा लो, कितना भी भगा लो, वो थकते नहीं हैं, इसीलिए काले चने खाओ। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में जिसको करके आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो एक्सरसाइज होती है वो कार्डियो एक्सरसाइज होती है। कार्डियो एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपना पसीना बहाते हैं, जिसको करने से आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है। जैसे कि रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या ट्रेडमिल पर भागते हैं, तो इस टाइप की एक्सरसाइज को कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। इससे स्टेमिना बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और हाँ, एक बात, अगर आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा हेवी नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल्स नहीं होने चाहिए। बॉडी ज़्यादा हेवी होने से स्टेमिना कम हो जाता है, इसलिए अगर आपको स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको लीन रहना होगा। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं या फुटबॉल प्लेयर होते हैं वो हमेशा लीन रहते हैं। विराट कोहली या रोनाल्डो को आप देखिएगा तो वो हमेशा लीन रहते हैं। आप देखिएगा तो उनकी बॉडी में ज़्यादा मसल्स नहीं है, लीन बॉडी है, जिससे कि उनका स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा हाई है। और एक एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जो मैराथन रनिंग करते हैं वो घंटों घंटों तक भागते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी बहुत थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, बट जो स्टेमिना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए लीन रहो, पतले मत हो जाना, स्टेमिना के चक्कर में मसल्स लॉस मत कर देना। लीन रहोगे तो बॉडी भी रहेगी, ताकत भी रहेगा और स्टेमिना भी रहेगा। अगर आपकी बॉडी लीन रहेगी तो आपका स्टेमिना समय के साथ ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो गाइज, ये थे कुछ टिप्स ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के। डाइट को अच्छा रखोगे तो ताकत बढ़ेगा, और लीन और एक्टिव रहोगे तो स्टेमिना बढ़ेगा। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहो, हिट रहो।